नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार मांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। दोस्तों आज मैं आपकी फरमाइश में आपको बताऊंगा कि आंवले के पौधे को किस तरह से आप गमले में लगाएं। यह दोस्तों यह है आंवले का पौधा, तो इसको गमले में कैसे लगाना है वो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि गमले की मिट्टी कैसे तैयार करें, और अगर खेत में आप लगा रहे हैं तो किस तरह से लगाएं कि आपको उत्पादन ज्यादा मिले, तो संपूर्ण मैं आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन उसे दबा के सब्सक्राइब करें, और जो एक बार है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये पौधा दिखा देता हूँ, ये है आंवले का पौधा, देखिए। तो दोस्तों जब भी आप खेत में लगाएं तो हाइब्रिड लगाएं, और हाइब्रिड लगाने का अच्छा तरीका ये होता है कि आप आंवले का पौधा जो है जंगली लाएं, जो आपको किसी भी सरकारी नर्सरी में कौड़ियों के दाम में मिल जाएगा, और उसे लगा दें अपने खेत में। उसके बाद उसमें जो है आप जो है ग्राफ्ट करें, और ग्राफ्ट करने के लिए अच्छी कलम का इस्तेमाल करें। बहुत सारी अच्छी वैरायटी आती है आंवले की, जिसमें जो है 40 से 45 ग्राम तक का फल प्राप्त हो जाएगा आपको, तो ज़्यादा बड़ा पौधा भी नहीं होता है। और दोस्तों देख रेख कैसे करनी है, अगर ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के अंदर जाके आंवले की खेती देख सकते हैं। तो ये रहा आंवले का पौधा, तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं ये थैली को मैं हटा दूंगा, तो अब मैं लगाता हूँ। ये है गमले की मिट्टी, तो गमले की मिट्टी कैसे तैयार करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ये गमला और गमले की मिट्टी कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए ये मिट्टी, तो ये मैंने 50% जो है गार्डन सॉइल ली है, गार्डन की मिट्टी ली हुई है 50%, और 50% मैंने जो है कंपोज लिया हुआ है। अगर आपके पास कंपोज नहीं है तो आप गोबर की खाद भी डाल सकते हैं। इसके अलावा मैंने क्या डाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप ये देख रहे हैं ये DAP है, दिखा देता हूँ, ये देखिए ये DAP है, बस इतना ही। 7 से 8 दाना मैंने इसमें डाल के रखा हुआ था, तो 3 दिन हो चुके हैं ये DAP में डाल चुका हूं, अभी नहीं डालूंगा। इसके अलावा ये देखिए नीम खली है, तो इसको मैंने 1 बड़ा चम्मच मैंने डाला था नीम खली, तो ये भी 3 दिन पहले ही डाला था और मिला के रख दिया हूं मैं। और इसमें खाने का चूना, एक चूने के मतलब एक चना होता है उसके बराबर, तो मिक्स करके मेरी मिट्टी तैयार है। ये देख लीजिए आप, 3 दिन हो चुके हैं, अब मैं इसमें पौधा लगाऊंगा। तो इसके लिए मैं क्या प्रोसेस है आगे बताता हूँ। दोस्तों ये गमला और गमले में देखिए ये होल देख रहे होंगे आप, ये जरूर आप होल कीजिए आप, नहीं तो पानी बाहर नहीं निकलेगा और आपका पौधा सड़ जाएगा। तो इस तरह से होल कर लीजिए, और गमले का टुकड़ा हो या फिर इस तरह के पत्थरे हो इसको इसके ऊपर रख दीजिए, देखिए इस तरह से। अब इसमें हम मिट्टी डालेंगे, धीरे धीरे डालेंगे, अब हम अपना पौधा चेक करेंगे इसमें। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने जो है ये थैली जो है इसकी काली वाली थैली इसको निकाल दिया है, जैसे देख रहे हैं आप, ये इस तरह से मैंने निकाल दिया है, और गमले में जो है मिट्टी मैंने भर दी है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि किस तरह से गमले की मिट्टी तैयार करें, तो वो तरीका है, और ये पौधा है। अब हम पौधे को इसमें लगाएंगे, तो सबसे पहले इसको सावधानीपूर्वक इसमें रखेंगे तरह से, उठा के बिल्कुल सेंटर में रख देंगे, और इसके बाद इसमें हम मिट्टी डालेंगे। दोस्तों इस तरह का काम करने के बाद आप पानी अवश्य डालें, तो उससे यह होगा कि आपका पौधा जल्दी ग्रोथ करेगा। शाम के समय पौधा लगाएं, ये भी मैं आपको कहना चाहूंगा, चाहे आप खेत में लगाएं या फिर गमले में लगाएं, इसके बहुत सारे फायदे हैं। इसके ऊपर ही मैंने प्रोग्राम बनाया है, आप चाहे तो देख सकते हैं मेरे YouTube चैनल में।
तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने मिट्टी डाल दी है, अब इसमें हम पानी डालेंगे। तो दोस्तों इसी तरह से आप लगाइए, और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझको, तो मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। ये देख लीजिए पौधा, इस तरह से जो है आप मिट्टी जो है डालें, और ये देखिए ये आंवले का पौधा है पूरा, ये देखिए। तो इस तरह से जो है आप गमले में लगा सकते हैं और फल प्राप्त कर सकते हैं। हाइब्रिड आप कलम वाला जो अगर लगाते हैं तो आपको निश्चित रूप से गमले में भी फल प्राप्त हो जाएगा। ये देखिए गमला बड़े साइज का, इस तरह से गमला लें, जब ये 6 महीने का हो जाए इसमें, तब इससे भी बड़े साइज में जो गमला मिलता है बाजार में उसमें इसको रिपोर्ट कर दें, करीब 9 महीने बात करें, ताकि पौधा जो अच्छी तरह से वो उसमें ग्रोथ करे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।